वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। सिंधिया घराने के मौजूदा मुखिया और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर की जनता आज भी अगर श्रीमंत कहकर बुलाती है तो उसकी बहुत बड़ी वजह है इस परिवार के मन में अपनी जनता और उसके रीति रिवाजों को लेकर सम्मान की भावना है। एक दौर था जब ग्वालियर में मुस्लिम समुदाय के लोग नाम मात्र के होने के बावजूद सिंधिया घराना मुसलमानों के रीति रिवाजों का पूरा सम्मान करता था। ऐसा ही एक किस्सा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो जुड़ा है माधोराव सिंधिया से। तो चलिए शुरू करते हैं। में जब जयाजी राव सिंधिया का निधन हुआ तब उनके बेटे माधव राव महज 10 साल के थे। पिता के निधन के बाद वो सिंधिया राजघराने की गद्दी पर बैठे। अपने प्रशंसकों के बीच माधव राव महाराज के नाम से चर्चित माधो राव एक तरीके से सिंधिया परिवार के पहले मॉडर्न महाराजा थे। वे विदेश गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLD यानी कि डॉक्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई की। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राशिद किदवई अपनी हालिया किताब द हाउस ऑफ सिंधिया सागा ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड एंड्रिक्स में लिखते हैं कि माधव राव अक्सर वेश बदलकर ग्वालियर की गलियों में ये पता लगाने के लिए घूमते थे कि उनका प्रशासन कैसे काम कर रहा है, लोगों की क्या राय है। किदवई लिखते हैं कि माधव राव महाराज थोड़ा वहमी स्वभाव के थे और अंधविश्वास में भी भरोसा करते थे। एक बार ऐसा मौका आया जब एक के बाद एक 3 घटनाओं से वे बुरी तरह परेशान हो गए। पहली घटना उनके पसंदीदा हाथी की किले से तोप ले जाने के दौरान मौत हो गई। दूसरा, उनका हथियार रखने वाला कोट माही मारताप क्षतिग्रस्त हो गया जिसे महाराज बहुत ही पवित्र मानते थे। और तीसरा, ग्वालियर के इमामबाड़े में मुहर्रम के ताजिए में आग लग गई। ताजिए में आग लगने की उस घटना के बारे में किदवई विस्तार से लिखते हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई थी। दरअसल कई सालों से इस ताजिए की अगुवाई सिंधिया परिवार ही करता आ रहा था और ये राज परिवार की परंपरा का हिस्सा था। आनंद पारन में दूसरी व्यवस्था की गई लेकिन इस घटना से माधव राव महाराज के दिल दिमाग पर बेहद बुरा असर पड़ा। उन्होंने कहा था कि ताजिया नहीं जला बल्कि वे खुद जल गए। इन घटनाओं के बाद महाराज माधव राव बेतहाशा सिगरेट पीने लगे, हालांकि उनके हाकिम ने इससे साफ मना किया था। इस बीच साल 1925 की गर्मियों के दौरान ब्रिटेन के राजा ने माधव राव को इंग्लैंड के लिए आमंत्रित किया। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उन्होंने यूरोप जाने का फैसला किया। यूरोप दौरे के दौरान उनकी तबीयत और बिगड़ गई और उन्हें पेरिस के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। किदवई लिखते हैं कि 5 जून 1925 को दोपहर बाद महाराजा ने अस्पताल के स्टाफ से सिगरेट मांगी। थोड़ी देर बाद एक स्टाफ ने देखा कि महाराज की आंखें बंद हैं और उनके हाथ में सिगरेट का टुकड़ा दबा है। उसने महाराज के हाथ से सिगरेट का टुकड़ा ले लिया। माधवराव के हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। शाम 4 बजे उनका निधन हो गया था। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।